बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं में कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इन प्रयोगों के माध्यम से हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र की हैं, जहां बागेश्वर धाम की 3 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा था। इस कथा के दौरान यहाँ के सफाई कर्मियों को मंच पर लाकर उनसे आरती कराई गई। सफाई कर्मियों को आम तौर पर मंच पर जाने का अवसर नहीं मिल पाता है और पिछले कई दिनों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर समाज के ऐसे वर्गों को और ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को मंच तक लाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने पिछले वर्ष पन्ना जिले के कल्दा में आदिवासी बनवासी कथा का आयोजन किया था, तब भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब बड़ा मलहरा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सफाई कर्मियों को मंच पर लाकर उनसे आरती कराई गई। इन सफाई कर्मियों ने मंच पर आकर 3 दिवसीय हनुमत कथा के दौरान रामचरितमानस की आरती की और फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से आशीर्वाद लिया। सफाई कर्मी इस पल को काफी खास महसूस कर रहे थे और उन्होंने इस पर खुशी व्यक्त की है। सर्वाण्य संतो प्रतिष्ठायां पदे पदे जलेन सिद्धे कण्डं सिद्धेतुं कृतमाता।